अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। 10th क्लास बॉयज़ गर्ल्स ऑल सेक्शंस, तमाम बच्चों बच्चियों को नया साल मुबारक हो। और अपना ख्याल रखिएगा, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं बेटा, और ख़ासकर लड़कियाँ तो बड़ी नाजुक नाजुक सी होती हैं, तेज़ हवा भी लग जाती है तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बॉयज़ को भी मैं कह रही हूँ बेटा थोड़ा सा पढ़ाई पे तवज्जो दे लीजिएगा, बाहर ज़्यादा नहीं जाएँ, वैसे भी वायरस फैला है, आपको बाहर जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कहना मुझे आपसे ये है कि आपको मैं इस वीडियो में, जो मेरी वीडियो आ रही है, अब जो पहली वीडियो आएगी यानी कि छुट्टियों के बाद की, विंटर वेकेशन के बाद की, तो इसमें मैं आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं दूंगी, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ सूरह अहज़ाब की, और वो आप देख लीजिएगा, जो आपको समझ में ना आए वो आप पूछ लीजिएगा। कल से हम लोग स्कूल में होंगे 8:30 बजे से और 1 बजे तक, ठीक है? आप आएँ और आप देख लें, अगर आपको पिक्स वगैरह लेनी है तो वो भी ले लें। MCQ दिखाऊंगी आपको मैं आज, और इसके सवाल जवाब एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बेटा देख देख लिया आपने, होमवर्क के ऊपर एक कॉलम बना हुआ है, और उस कॉलम से इससे पहले कभी ऐसा कॉलम बना नहीं है। विंटर वेकेशन में हम ऐसे ही दे देते थे ना, तो इस दफ़ा बना हुआ है, तो इससे आप जाहिर होता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हैं वो बोर्ड में जाएंगी, और उससे आपका जो है रिजल्ट तैयार होगा, ठीक है? अभी भी नहीं पता कि किस तरह कैसे मतलब आपके एग्जाम होंगे। MCQ बेस पे भी आपको तैयार कर रहे हैं, और आपको क्वेश्चन आंसर भी, और जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे भी आपको तैयारी करनी है, लेकिन उस वक्त पता चलेगा जब एग्जाम करीब होंगे कि आपको देना किस तरह है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे सूरह अहज़ाब।